मैं होनू और अनुग्रह रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बथुए की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। तो अभी तक आपने ये वाली रेसिपी नहीं देखी होगी यूट्यूब पे, तो आज आप देखेंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत जल्दी बन जाता है, घर के थोड़े सामान से ही बना लेंगे आप इसको, और बिल्कुल अलग स्टाइल का है। तो आपने इसका बथुए का आपने पराठा खाया होगा, पूरी खाया होगा और रायता खाया होगा और भी बहुत सारी चीज़ें खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपने नहीं खाया होगा। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है और कैसे बनता है। इस तरह से बथुआ हमने ले लिया है, 200 ग्राम है ये। इसको अच्छे से हमने साफ़ किया था और उसके बाद अच्छे से हमने जो मोटी डंठल थी इसको निकाल दिया और अच्छे से इसको धोया 3-4 पानी से। तो ध्यान से इसको धोइएगा जिसकी इसमें मिट्टी होती है। और इधर हमने एक मुट्ठी करीब ये मेथी का पत्ता ले लिया है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो ये ऑप्शनल है। और हमने धनिया काट लिया है बहुत सारा, देखिए इस तरह से। जीरा हमने ले लिया 1 टीस्पून, थोड़ा सा धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, एक बड़ा चम्मच हमने किचन किंग मसाला ले लिया है, हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये 1 टीस्पून, थोड़ा सा गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, और हींग है ये 2 चुटकी। और एक साबुत मसाले में देखिए हमने जीरा ले लिया है और एक काली मिर्च लिया है, अदरक लिया है और ये 2 लाल मिर्च ले लिया है और करीब 10-12 लहसुन ले लिया है। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे भी। और हमें क्या चाहिए, अदरक लहसुन इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है और नमक स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून हमने चीनी लिया है और इसमें हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, तो 1 टीस्पून ये है। तो ऑयल हमको चाहिए मसाले वगैरह जब हम भूनेंगे उसके लिए। और प्याज चाहिए, तो ये 2 बड़ा प्याज है, इसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया है बारीक से। और टमाटर हमने रफली काट लिया है, तो इसको हमको पेस्ट बनाना है। और इधर देखिए ये हमने लिया है बेसन, ये 4 चम्मच है, इस तरह से 4 चम्मच ले लिया हमने। और दही लिया है, ये भी 4 चम्मच है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा तो बारीक काटना है, इस तरह से काट लेते हैं पूरा। अब बथुआ और ये जो मेथी का पत्ता है इसको हम पहले काट लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इस तरह से हमने बारीक काट लिया है बथुए को, और जो मेथी का पत्ता था वो भी हमने बारीक काट लिया है। ऐसे हम कुछ सामान मिलाएंगे इसमें से, तो थोड़ा सा मसाले मिलाएंगे पहले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा ये किचन किंग मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और ये अदरक और लहसुन का जो हमने बनाया पेस्ट ये भी डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे बेसन, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और पहले नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, तो 1/2 टीस्पून डाल दे रहे हैं, इसको मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिलाना है, तो बेसन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बाइंडिंग का भी काम करेगा ये, तो इसको जरूर डालिएगा। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बनता है। तो 4 चम्मच ये बेसन है मेरा, अभी थोड़ा थोड़ा करके डालने हैं जिससे इसकी बाइंडिंग का पता चल जाए। और आप चाहें तो अगर ये थोड़ा सा थिक हो रहा है तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, तो अभी तो इसमें खुद पानी इतना है, तो पानी डालना है तो थोड़ा इसको देखने के बाद ही डालेंगे। तो पूरा 4 चम्मच हम डाल दे रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा 2 चुटकी मीठा सोडा डाल दे रहे हैं खाने वाला, तो इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेगा ये। मिला लेते हैं इसको, और इसमें हरी धनिया भी डाल देते हैं अभी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका भी। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये सरसों वाला तेल, इससे भी इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और सब अच्छे से मिला लेते हैं। तो पानी का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया है, और देखिए एकदम लिक्विड ही है थोड़ा सा, तो बस इतना ही होना चाहिए। ये हो गया है, इसको हम भाप देंगे, स्टीम करेंगे इसको हम। तो पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है भगोने में, और इसके हम गोले बनाएंगे छोटे छोटे, इसको भाप देंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसको हम जानेंगे कैसे कि ये बिल्कुल फिट है, तो एक बार ऐसे छोटा सा गोली बना के देखें बन रहा है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल फिट है,
बेसन डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो सॉफ्ट भी होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये हम सारी गोली बना के रख लेते हैं, फिर भाप देंगे इसको। हमने एक चलनी ले ली है, इसी में हम स्टीम कराएंगे, तो इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा इस गोल गोल इस तरह डाल देते हैं इसके, जो हमने बनाया बथुआ का ये बैटर। और देखिए अच्छे से बन रहा है, तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं लीजिएगा, छोटा छोटा अच्छा लगेगा। इस तरह सारा हम इसमें रख देते हैं, जितना इसमें आएगा फिर सारा हमने अरेंज कर दिया इस तरह से। और अब इसको हम भाप देते हैं इसमें, तो इसमें चलनी में हमने पहले ही लगा दिया था ऑयल, तो आप ही लगा दीजिएगा, जो चिपके ना इसमें। और देखिए पानी हमने रख दिया था, और अच्छे से इसको स्टीम करेंगे, ढक देते हैं इसको। तो इसको हम हाई फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसमें हमने जीरा ले लिया साबुत 1/2 टीस्पून, और करीब 10-12 इस तरह लहसुन है, और करीब 10-12 काली मिर्च है, और 2 ये लाल मिर्च है, अदरक है 1/2 इंच। इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो पानी नहीं डाल के ग्राइंड करें, इसे सूखा ग्राइंड करेंगे, इससे इसका बहुत ही अलग टेस्ट आएगा। और टमाटर की भी ग्रेवी बनाएंगे हम, तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा मोटा ही पीसा हमने इसको, दरबरा है ये, तो आप भी इसी तरह करिएगा, इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही अलग होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया है फिर, और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे सरसों वाला तेल, तो 3 बड़े चम्मच डाल दे रहे हैं, हो गया तेल। अब जीरा डाल देते हैं, तो 1/2 टीस्पून है जीरा हमारा। अब इसमें हींग डालेंगे 1 चुटकी, और ये प्याज जो हमने बारीक काटा है, 2 प्याज है ये, इसको बारीक काट लिया हमने, इसको डालेंगे। तो प्याज को हमें पीसना नहीं है, इसको अच्छे से थोड़ा गोल्डन होने तक पकाएंगे। कट हो गया है, देख लेते हैं स्टीम हो गया कि नहीं अच्छे से। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा चाकू पे इसमें इंजर्ट करेंगे, देखिए कि एकदम क्लीन है, यानी कि बिल्कुल तैयार है ये। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया, माफ़ कर दे रहे हैं, आज अच्छे से लाल हो गया है। अब इस वक्त हम डालेंगे इसमें जो अदरक लहसुन और ये जीरा काली मिर्च था, इसका जो हमने बनाया था वो इस तरह से ग्राइंड किया था, इसको डाल देते हैं। इसको भी भूनेंगे इसमें, इसी के साथ इसमें हम ये डाल देते हैं कसूरी मेथी, से भी इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इन सब का टेस्ट बहुत अलग होगा फ्रेंड, और जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर इस तरह से आप बनाते हैं। बाहर का जो नॉनवेज वगैरह है आप खाना छोड़ देंगे, और आप इसी तरह से बिल्कुल शाकाहारी हो जाएंगे, और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। और कितना हेल्दी है ये बथुआ, बहुत सारा विटामिन आयरन इसमें पाया जाता है, बहुत ही हेल्दी। इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार तो बनाना बनता है, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है ये। तो देखिए अच्छे से भून रहा है ये। अब इस वक्त हम डालेंगे इसमें मसाले, हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, गर्म मसाला, लाल ये कश्मीरी लाल मिर्च है कि तीखा नहीं करेगा, ये किचन किंग मसाला ये भी डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट। अब इसमें डालेंगे ये जो प्यूरी हमने टमाटर की बनाई है, इसको डाल देते हैं। तो अच्छे से मसाला देखिए 1 मिनट में भून गया ये, तो बहुत ही अच्छी महक आ रही है इस वक्त, हर एक मसाले का अलग महक आ रहा है इसमें। अब इसमें हम डाल देते हैं प्यूरी, इसको भूनेंगे 2-3 मिनट। टमाटर भी अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे दही, ये 4 चम्मच है, इसको भी भूनेंगे। तो नमक हमने इसलिए अभी पहले नहीं डाला है, और खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेश दही है ये हमारी। अब इसको भी भूनेंगे 2-3 मिनट, मिनट में पक गया है देखिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, अभी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसको भी भूनेंगे इसके साथ। तो आप इस तरह से अगर बनाए हैं बड़ी, ये देखिए ठंडा होने के बाद ही इसको निकालिएगा, नहीं तो क्या होगा इसी में चिपक जाएगा,
देखिए एकदम ठंडा हो गया है, आप इसको स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। तो बथुआ वैसे ही बहुत हेल्दी होता है, आप इसको थोड़े से तेल में सोटे कर लें और फिर उसके इसको खा सकते हैं इस तरह, और या तो इस तरह से ग्रेवी में डाल के बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल अब हमारा मसाला एकदम तैयार होने वाला है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हाफ टी स्पून डाल दें। तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इस वक्त। अब इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद ये बड़ी डालेंगे इसमें जो हमने बथुए की बनाई है। तो ये हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए 1 टीस्पून हमने चीनी लिया है, तो जो खट्टा है दही वगैरह वो बिल्कुल बैलेंस कर देगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तभी डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा अभी ठीक लग रहा है। तो इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी ग्रेवी देख के आपको पता चल जा रहा होगा कि कितना अच्छा है ये। चल गया है देखिए इसका ग्रेवी। अब हम इसमें डाल देते हैं ये बड़ी, तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड, एक बार जरूर बनाइएगा। और बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी महक आ रही है इस वक्त किचन में, और हेल्दी भी तो है, तो आप इसको जरूर बनाइए। तो थोड़ा सा इसको हम ढक देंगे, इससे अच्छे से इसमें इसकी ग्रेवी अब्जॉर्ब हो जाए। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटे भी करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। और इसको हम देखते हैं खोल के, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, अब ये हो गया है अच्छे से, अब अब्जॉर्ब भी हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया है, देख कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी महक आ रही है। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ऊपर से, इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। पर हमने बथुए की ये रेसिपी तैयार कर ली है, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी तक आपने पूरी, पराठे, रायते और इसके साग को खाया होगा, लेकिन आज आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बाहर का लगेगा कि नॉनवेज खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसमें, बहुत अलग एक टेस्ट है इसका। तो आप इसको जो बनाइए, तो बनाने के लिए अनुकूल रसोई क्लिक करिए, वहाँ पे इसे देखिए, फिर बनाइए, फिर बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके जो बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।